डियर पेरेंट्स, सादर नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोबाइल के दुष्परिणामों की, सोशल मीडिया के दुष्परिणामों की। और आज जो भी बात हो रही है वो पूरी तरह से प्रमाणित है, कई चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा गया है, कई चीज़ों की जांच की गई है, तभी मैं ये साहस कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैं अब आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए, आज वर्तमान में क्या हो रहा है, मैं बात किसी एक स्कूल की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कुछ लिमिटेड बच्चों की नहीं कर रहा हूँ, मैं आज बात कर रहा हूँ हमारी युवा पीढ़ी की, हमारे बड़े होते हुए बच्चों की। आज मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उन 85% बच्चों का जो बहुत ही विकृत स्थिति में पहुँच चुके हैं। ये बच्चे रोजाना 3 से 5 घंटे इंटरनेट पर बिता रहे हैं। इन बच्चों ने अपनी एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लिया है, एक अपनी दुनिया को इन्होंने बना लिया है। इन बच्चों के साथ कई तरह की शारीरिक समस्याएँ बढ़ती जा रही है, कई तरीके की शारीरिक समस्याएं इनको हो चुकी है, इनकी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है, इनका जो बॉडी पोस्चर है वो पूरी तरह से विकृत होता जा रहा है, इन बच्चों का मानसिक विकास रुक गया है, इन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है, बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है। मोबाइल पाने के लिए बच्चे लीगल इलीगल कई तरीके अपना रहे हैं, ऑनलाइन गेम में बच्चे लिप्त होते जा रहे हैं, कई ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बच्चा अपने पेरेंट्स का पैसा लगा रहा है। बच्चे यहां तक ही नहीं कि केवल गेम में पैसा लगा रहे हैं, बच्चे ब्लैकमेल का शिकार होते जा रहे हैं, बच्चे कई असामाजिक तत्वों की चपेट में आ गए हैं और उन तत्वों के दबाव में बच्चे कई तरीके अनैतिक कार्य करते चले जा रहे हैं। बच्चों ने नशे का सेवन प्रारंभ कर दिया है, बच्चे ड्रग सप्लाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बच्चे अश्लीलता में लिप्त हो चुके हैं, बच्चों को पॉर्न देखने का शौक लग चुका है, बच्चे अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़े हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर बच्चे कई तरीके के अनैतिक संबंध स्थापित करने में लगे हुए हैं, कई तरह के संबंध, एक अपोजिट जेंडर के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ता चले जा रहा है और कई इस तरह के अनैतिक संबंध बच्चे स्थापित कर रहे हैं बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया मेरी बातों का अन्यथा न लें, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, पूर्णतः प्रमाणित बातें हैं। बच्चों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया है, बच्चों का जो भाषा का स्तर है वो अत्यंत निम्न हो चुका है, बच्चे बहुत ही अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं सीधी बात बोलूँ तो बच्चों का जो भाषा का लेवल है वो कहीं ना कहीं ना इंग्लिश भाषा रही है, ना हिंदी भाषा रही है, ना क्षेत्रीय भाषा रही है, भाई केवल और केवल अभद्र गाली गलौज की भाषा का बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के कारण बच्चों में नकारात्मकता हावी होती चली जा रही है और आत्महत्या जैसे विचार बच्चों के मन में आ रहे हैं, बच्चे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, बच्चे कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ईर्ष्या के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ती चली जा रही है, बच्चों के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, बच्चे धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, बच्चे हैकिंग के शिकार हो रहे हैं, बच्चों के समय की बर्बादी हो रही है, बच्चों की गोपनीयता नहीं रही है, बच्चे कई तरह की गोपनीय चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, कई अपनी व्यक्तिगत जानकारी इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चों में नींद की कमी हो रही है, बच्चों का व्यक्तित्व बिल्कुल कमज़ोर होता चले जा रहा है, और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को बता पाना। इतनी स्थितियां खराब हो चुकी है कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ये स्थिति हमारे लॉकडाउन लगने के बाद चरम पे पहुंच चुकी है। 2015 से इस चीजों का, इन सब तरह की चीजों का प्रारंभ हुआ, बच्चों का सोशल मीडिया के प्रति अट्रैक्शन आकर्षण बढ़ता गया और जो आज स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा विकट है। शायद पालकों को नहीं लगता है, बाहर से देखने को उनको बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है और आप जानते हैं इसका कारण क्या है, भाई कहीं ना कहीं हम पालकों नहीं बच्चों को इस ओर आकर्षित किया है। एक छोटा बच्चा पालने में सोता है, उसके हाथ में मोबाइल कौन देता है, उसके हाथ में मोबाइल पेरेंट देते हैं, वो खाना नहीं खाता है, उसको मोबाइल पे यूट्यूब पे
स्क्रीन पे अलग अलग तरह की कार्टून फिल्में दिखा के खाना कौन खिलाता है? हम खिलाते हैं। अरे एक बच्चा 2 साल का 4 साल का 5 साल का 8 साल का थोड़ा सा डांस करता है, शादी फंक्शन में जाता है, उसका वीडियो कौन बनाता है? हम बनाते हैं। उस वीडियो को अपने स्टेटस पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे कौन लोड करता है? हम लोड करते हैं। उसके बाद जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उससे बच्चों को कौन अवगत करवाता है? हम करवाते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के कवर पेज पे, प्रोफाइल पेज पे बच्चों के फोटो कौन डालता है? हम डालते हैं। हम डाल के किसको बताते हैं? बच्चों को बताते हैं। बच्चे का जन्मदिन है, कोई फंक्शन है, बच्चों की इस पोस्ट को सोशल मीडिया पे कौन पोस्ट करता है? हम पोस्ट करते हैं। किसको बताते हैं? बच्चों को बताते हैं। भाई देखिए, पूरी तरह से पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है कि भाई कहीं ना कहीं हम भी इस चीज में लिप्त हो चुके हैं और हम हमारे बच्चों को भी इसके अंदर डालते चले जा रहे हैं। हम रियलिस्टिक नहीं रहे हैं, वास्तविकता से बहुत दूर हो चुके हैं। हम स्वयं एक कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। सबसे पहले हमें इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना होगा, हमको रियलिस्टिक बनना होगा, हमको खुशियां, आज भी देखिए हम खुशियां कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे सकारात्मकता हो, नकारात्मकता हो, दिन हो, रात हो, घर में हो, बाहर हो, हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सब चीजें हम कहाँ पे साझा कर रहे हैं? ये सब चीजें हम सोशल मीडिया पे साझा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत आइकन के रूप में हम हमारे बच्चों के सामने अपने आप को दर्शा रहे हैं। और देखिए बच्चा हमारे बोलने से नहीं सुधरता है, बच्चा हमको देखकर सुधरता है, हमको देखकर सीखता है। तो मेरा आप सभी पालकों से विनम्र अनुरोध है कि भाई पहले आप इस काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए, फिर हमारी इस युवा पीढ़ी को बचाइए, हमारे इन बच्चों को बचाइए। ये बच्चे कल आपका भविष्य है, इस देश का भविष्य है। कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा। जागो पालक जागो, मेरा सभी पालकों से निवेदन, एक बार सोचिए, यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं आपको हर तरह से सिद्ध कर सकता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, ये बच्चे भी इतना गलत नहीं है। भाई जो सबसे ज्यादा गलत है तो कहीं ना कहीं पालक है। एक बार विचार जरूर किया जाए। धन्यवाद।